हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर टू के अंतर्गत आने वाले CC6, ठीक है, जिसमें से हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने देखा था कि उसके चार चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 जानेंगे, जो कि आपका है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन कि मानव का क्या क्या अधिकार होते हैं, मानव के क्या क्या अधिकार होते हैं उसके बारे में बताया गया इसमें से, ठीक है। तो इसमें से देखिए, आपको टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन करवाया जा रहा है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए, ठीक है, कोई भी टॉपिक से आ जाए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। और आप लोगों को ऑप्शंस के साथ में और क्या क्या आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताया जा रहा है, ठीक है, ताकि अगर हिंदी में आ जाए फिर भी प्रॉब्लम ना हो, इंग्लिश में आ जाए फिर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप लोगों के हित के लिए हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया, हिंदी और इंग्लिश दोनों डाल दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग का अगर इंग्लिश में भी क्वेश्चन आए तो भी दिक्कत ना हो, हिंदी में आए तो भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छाट के लिए हैं, ठीक है। देखिए, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ह्यूमन राइट्स इंक्लूडेड, मतलब बोल रहा है कि मानवाधिकार को भारत संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है, मानवाधिकार जो है, मानव के अधिकार जो है उसको भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया, ठीक है। तो किस भाग में शामिल किया गया, भाग 3 और भाग 4 में आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि इन विच सेक्शन इज द प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किस धारा में है। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन का जो प्रावधान लिया गया था वो कौन से धारा में है, तो कौन से धारा में, आपका सेक्शन 3 में है। किसमें, सेक्शन 3 धारा 3 में है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। देखिए, बोल रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार में जो है ना, उसमें कितने अध्यक्ष होते हैं और कितने सदस्य होते हैं, कुल कितने अध्यक्ष और कुल कितने सदस्य होते हैं जो मिल करके सारे कार्य को क्या करते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं, ठीक है। तो अगर अध्यक्ष की बात करें तो एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 12 मेंबर्स मतलब 12 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, आप लोग टिकआउट करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा आंसर को, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, हेड ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वेयर इज द ऑफिस लोकेटेड। देखिए, बात करें अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, ठीक है, कार्यालय जो होता है, ऑफिस जो होता है, वो ऑफिस कहाँ स्थित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्यालय है ना, वो कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, न्यू दिल्ली में, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट पास्ड, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम जो है वो कब पास हुआ और कब इसको पारित किया गया, है ना, कब पारित करना मतलब क्या होता है, लागू करना, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम जो था वो कब लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था आपका, ये 8 जनवरी 1994 ईस्वी को लागू हुआ था, कब, 8 जनवरी 1994 ईस्वी को ये लागू हुआ था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया गया, अब इसके पहले जो है ना, आप लोग को वीडियोज 4 तक जो है ना, सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं। अगर आप लोग वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, समझ में तो आ जाएगा लेकिन आपका पीछे फिर क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना। तो आप लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग को वो सब वीडियोस भी देख लेना, ताकि वो आपके एग्जाम के लिए क्या रहे, हेल्पफुल रहे और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि व्हाई डज एनी पर्सन गेट ह्यूमन राइट्स, कि किसी भी व्यक्ति को जो है ना, मानव अधिकार जो है कब से प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन क्या है कि किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए हम है, ठीक है, तो मुझे जो है ना, मानवाधिकार जो है वो कब से प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो जन्म से प्राप्त होता है, कब से, जन्म से प्राप्त होता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम बर्थ, किसी भी व्यक्ति को उसका मानवाधिकार जो है ना कब से प्राप्त हो जाता है, उनके जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड, अगर हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस की बात करें, किसका, विश्व मानवाधिकार दिवस की बात करें, तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, कब, 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है, क्या, विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि हु एडॉप्टेड द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब बताया गया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, ऐतिहासिक दस्तावेज को किसने अपनाया, मतलब मानव अधिकार का जो घोषणा है, ठीक है, और ऐतिहासिक दस्तावेज है उसको किसने अपनाया था, ऐसा कौन सा संस्था था किसने अपनाया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूएनओ, किसने अपनाया था, यूएनओ ने, जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछेगा कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ, आपको राइट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि वेन वॉज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड बाय यूएनओ। देखिए बोला क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ जो है ना, यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो वो कब जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किया था और उसको कब अपनाया था, कौन, यूएनओ, यूएनओ जो है ना मानवाधिकार के अधिकारों को कब अपनाया था, ठीक है, तो कब अपनाया था, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को कब अपनाया था दोस्तों, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को अपनाया गया था यूएनओ के द्वारा, क्या, मानवाधिकार के घोषणाओं को। आगे अगर इसके क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, When did the NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट। देखिए NHRC की अगर फुल फॉर्म बात करें, NHRC, देखिए NHRC का मतलब क्या होता है, तो NHRC का मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट, मतलब बताया गया है कि भारत के NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन कब हुआ, तो कब गठन हुआ था इसका, इसका गठन हुआ था 1933 ईस्वी में, कब हुआ था दोस्तों, 1933 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, ठीक है। देखिए एक चीज़ और इसमें बताया गया है कि आपको इस ये सभी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है इसको कि एनएचआरसी का गठन कब हुआ था, ठीक है, भारत में, तो आपको बता देना 1933 ईस्वी में, या तो आपको फुल फॉर्म पूछेगा कि एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको फुल फॉर्म भी बता देना, क्या क्या बता दिया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आगे देखिए आगे की बात करें, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द NHRC, मतलब बताया गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो है ना वो अभी के चेयरमैन कौन है, वर्तमान के अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, तो अगर वर्तमान के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, जस्टिस HL दत्तू, कौन है, जस्टिस HL दत्तू, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष का मतलब बच्चों का जो वर्ष होता है ना उसके रूप में मनाया जाता है, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष मनाया जाता है, कौन सा वर्ष को मनाया जाता था, 1979 को, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा दोस्तों कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स। देखिए बताया गया है कि बुक के लेखक कौन है, किताब के लेखक कौन है, जिसको किताब का नाम क्या था, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स, मतलब मानवाधिकार और अमानवीय गलती, ठीक है, मानवाधिकार, मानव के अधिकार और मानव की गलतियां, ठीक है, ये पुस्तक के लेखक कौन है, ये पुस्तक के लेखक की बात करें तो पुस्तक के लेखक कौन है, V.R. कृष्णा अय्यर, कौन है, V.R. कृष्णा अय्यर, इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ आपका कि द टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ NHRC इज, देखिए बोल रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स के जो अध्यक्ष हैं उसका कार्यकाल कितना होता है ना, कार्यकाल कितना होता है, तो अगर कार्यकाल की बात करें तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हम लोग सब जानते हैं कि कुछ भी चीज़ का, जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, तो कितना कार्यकाल रहता है, 5 साल का, तो वैसे यहाँ पे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का, या तो फिर 70 साल के उम्र तक का, ठीक है, अगर 70 साल के वो प्लस हैं तो वो इसके अध्यक्ष नहीं बन सकते, उसके पहले वो चुनाव लड़ सकते हैं अगर 70 साल के पहले हैं तो, लेकिन उसके बाद नहीं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द NHRC, मतलब नेशनल मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा हुआ है कि वेयर इज एन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड, कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ना वो कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ है। ठीक है, तो वो कहाँ है, हैग में है। कहाँ पे, हैग में ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, स्थित है। ठीक है, यहाँ तक आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा हुआ है इन विच ईयर हैव द चेंजेस बीन मेड इन द NHRC। ठीक है, NHRC में जो है ना वो कब चेंजेस किया गया था, कौन से साल में इसमें से चेंज किया गया था, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो था उसमें किस वर्ष परिवर्तित किया गया था, तो किस वर्ष में परिवर्तित किया गया था, 2006 में इसको चेंज किया गया था, किसको, NHRC को। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि विच आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर्स एवरीवन हैज द राइट ऑफ लाइफ लाइब्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। देखिए मतलब बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल मतलब ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर्स, ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा अधिकार, मतलब मानव अधिकार में जो है आपका, ठीक है, उसमें ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें से ये घोषणा किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का, स्वतंत्रता का, आज़ादी का और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो कौन सा आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 3 में, धारा 3 में बताया गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें अगर हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि व्हेन डिड इंडिया इंटैक्ट पॉजिटिव लॉ ऑन ह्यूमन राइट्स, मतलब भारत ने मानवाधिकार पर सकारात्मक कानून कब बनाया, भारत ने जो है मानवाधिकार पर सकारात्मक कानून कब बनाया था, तो कब बनाया था, 1993 में, कब बनाया था, 1993 में इसको लागू किया था, मतलब 1993 में बनाया था इसको। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन आपका ये और है कि 20 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ईच मेंबर इज ह्यूमन राइट्स कमीशन इज, मतलब बोला जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स जो है मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल कितने दिन का रहता है, ठीक है, तो कितना दिन का कार्यकाल रहता है, 5 ईयर्स का रहता है। देखिए क्वेश्चन आपका एक दो मिल गया, ठीक है, मिल गया, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम नहीं था, है ना, क्वेश्चन आपको घुमा करके दिया गया था, तो क्वेश्चन आपको वहाँ भी घुमा करके देंगे, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस यहाँ पे अभी देख करके जाना है, इसको रट के नहीं जाना, ठीक है, बस देख लेना एक बार कि हाँ ये सब क्वेश्चन थे वहाँ पे और ये ऑप्शन थे। ठीक है, अगर ऑप्शन रहेंगे आपको समझ में आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, और आप लोग बेटर तरीके से उसको बना करके आ सकते हैं। तो उम्मीद करता है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और कैसा समझ में आया ये आप कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।